नमस्कार, जीकेएस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनिल यादव। खबर बाराबंकी से, विकासखंड सिरौली गौसपुर की ग्राम पंचायत हमीद नगर में प्रधान प्रतिनिधि की लापरवाही एवं घोटालेबाजी से ग्राम पंचायत के समस्त नागरिक परेशान। आधे अधूरे शौचालय निर्माण, अधूरा नाली निर्माण, नाली पर ढक्कन न पड़ने की वजह से आए दिन होती है दुर्घटनाएं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत भवन के निर्माण में मानक विहीन घटिया सामग्री, पुराने ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है और पात्रों को आवास न देकर अपात्रों को आवास दिलाए जाते हैं। यहां तक कि मुर्दों के नाम पर शौचालय निर्माण दिखाकर पैसा हड़प कर लिया जाता है। जहां उत्तर प्रदेश सरकार नाना प्रकार की योजनाएं चला रही है, वहीं जमीनी हकीकत में सभी योजनाएं विफल नजर आ रही हैं। योजनाएं ग्रामीणों को न मिलकर पूर्ण होती है कागजी कार्रवाई। मौजूदा सरकार सबसे ज्यादा स्वच्छता अभियान की बात करती है, लेकिन गाँवों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सफाई कर्मचारी अधिकारी बनके घूम रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए बाराबंकी से संवाददाता लोकेश कुमार की खास रिपोर्ट। दादा जी, आपका नाम क्या है? निर्मल कुमार वर्मा। निर्मल कुमार वर्मा, आप किस ग्राम में रहते हो? हमीद नगर ग्राम। हमीद नगर ग्राम, सब हमीद नगर। हाँ, हमीद नगर। आपके प्रधान ने कौन से ऐसे विकास कार्य कराए हैं जिससे आप लोग उनको वोट सपोर्ट करना चाहते हो और जो है संतुष्ट हो कि नहीं संतुष्ट हो? हम संतुष्ट नहीं दादा, ये तो आपके सामने है नाली। क्या मतलब समस्या है? आधी नाली पे झाड़ डरा गया, आधी पे नहीं। अगर कोई आदमी वाहन इधर से जाएगा, उधर से बच्चा आएगा, तो वो बच्चा क्या होगा, गिरेगा, इसमें हाथ पैर टूट जाएगा। और समस्या है दादा, पहले का पुराना पाइप रखा हुआ है, जब नया ये बोर कराए हैं ना, इसका पंचायत घर का उसमें पुराना वाला पाइप डाल दिए, पहले का इनके पास रखा है। ये जो ग्राम पंचायत हमीद नगर में पंचायत घर बन रहा है जी, इसमें स्कूल की बाउंड्री का पुराना ईटा खंडा कूटा जा रहा है और खड़ंजा का न्यू भरा जा रहा है, उगिछ कर पुराने खड़ंजा का जी। और जो सीमेंट मसाला लग रहा है वो खड़ंजा पर तक एक बोरी में इस्तेमाल किया गया है बस। यानी माने के अनुसार मसाले का इन पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है जी? नहीं। अच्छा, ये जो है किसकी कमी है? यहाँ के ग्राम प्रधान की कमी है कि वीडियो सेक्रेटरी की, किसकी कमी है जो ये बताइए? ये यहाँ के हमीद नगर के जो प्रधान हूँ वो प्रधानी करते नहीं, दूसरा प्रधानी कर रहा है। कौन करता है? वो अनिल कुमार है। अनिल कुमार, उसकी कमी है। अच्छा, मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हमारा कहना ये है इसमें मानक के अनुसार मटेरियल लगे। आपका नाम क्या है बेटा? अंकित वर्मा। अंकित वर्मा, आप किस ग्राम पंचायत में रहते हो? ग्राम हमीद नगर। हमीद नगर। अच्छा, ये जो कार्य हो रहा है अब इसके बारे में क्या कहना है? कार्य एकदम घटिया हो रहा है, मानक के हिसाब से कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे पीला ईंटा लग रहा है, सामने आपको दिख रहा है उधर, तो पीला ईंटा लगा, ये पुराना ईंटा बाउंड्री का लगा, इधर दिखाओ। पुराना ईंटा लग रहा है, किसी काम का नहीं, ये भी पीला ईंटा ही है जी। इसमें गिट्टी खंडा देख रहे हो कैसे कूटा जा रहा है जी। ये मानक के हिसाब से अगर नहीं बनेगा तुरंत गिर जाएगा जी। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ जिले स्तर से जांच की जाए जी, डीएम साहब करें या सीडीओ मैडम जांच करें यहाँ जी जी, ताकि कार्य अच्छा हो। और जो प्रधान शौचालय के बारे में, शौचालय के बारे में जो कुछ लोग मर चुके हैं उनका भी पैसा निकल चुका है। अच्छा, जो पहले मर चुके हैं पैसा अभी निकला है, यानी बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा गमन किया गया है। गमन किया गया है, जो प्रधानी का कार्यभार देख रहा है, ग्राम प्रधान है मुरलीधर, लेकिन जो मतलब प्रधानी का जो कार्यभार देख रहे हैं अनिल कुमार वर्मा है जी, उनके ऊपर कई केसेज हैं फ्रॉड के, 420 के अभी जल्दी में ही हाल में ही न्यायालय द्वारा दंडित किए गए हैं। 5 साल की सजा है और 10,000 रुपये जुर्माना भी उनके ऊपर जी, और सस्पेंड चल रहे हैं नौकरी से अपनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही फ्रॉड।